मनरेगा में काम दीजिए, यहां पर मशीनों से हो रहा है काम। हम बात कर रहे हैं तराई अंचल जवा के, जहां पर पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया और प्रदीप सिंह मांडा सपा नेता आज पहुंच गए तहसील परिसर में, जमकर धरना प्रदर्शन किया। तहसीलदार की अनुपस्थित में बाबू को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। दूर दराज के इलाके में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने की जगह दबंग सरपंच सचिव मशीन से काम कराकर एक तरफ मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मशीन से काम कराकर ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके चलते आज जवा में कई पार्टियों ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। जवा तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन, उसके बाद तहसीलदार की अनुपस्थित में उनके बाबू को ज्ञापन सौंपने के बाद हमने पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया, सपा नेता प्रदीप सिंह मांडा से बात की, जिनका साफ तौर से कहना था इस समय भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यह सिलसिला पिछले 4-5 साल से चल रहा है। मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा, मशीन से काम कराया जा रहा है। मशीन से काम कराकर मजदूरी दूसरे के नाम की निकाली जा रही है। सीधा सा अर्थ है, सरपंच सचिव ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिले, वहीं पिछले 5 साल के कामों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमने पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया, प्रदीप सिंह मांडा से बात की। दोनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदीप कुमार सिंह, पप्पू मांडा। जी, मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता था और करता हूँ। हम अभी पत्रकार वार्ता किए थे तो जो ये ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा पंचायत में, मनरेगा योजना के तहत गरीबों को काम मिलना चाहिए, मशीनों द्वारा कार्य कराया जा रहा है और मजदूरी जो उसकी है, सारे बड़े जो 50 बीघे काश्तकार हैं सुबह उनके नाम से जो है मास्टर रोल दिया जा रहा है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने, क्योंकि 80 पंचायत थी तो हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसके संयोजक माननीय जो है राजकुमार उमलियापुर विधायक जी हुए और हमारे जिला पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोखूलाल जी हुए, और हम साथ में तीनों मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम लोग जो है इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ है, ये बताइए आप कि मनरेगा में मशीनों द्वारा कराना चाहिए, आप ही बताइए। पहले आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मजदूरों का काम मशीन कर रही हैं, उनका जो मास्टर रोल इशू हो रहा है उसे जो है बड़े आदमियों के खाते में डाला जा रहा है। जो व्यक्ति अपने खेत का मेड़ नहीं देखा हो, ऐसे व्यक्ति के जो है खाते में रुपया जा रहा है, क्या उचित है? ये उचित नहीं है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। आखिर इसका दोषी कौन है, कौन इसका दोषी हुआ? आखिर ये दोषी जो है यहाँ के कर्मचारी हुए, सेक्रेटरी हुए, सचिव हुए, जीआरएस हुए, ये इसके दोषी हैं। हमने तो बहुत किया है, हमने तो 2 साल पहले जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ 22 दिन आंदोलन किए थे और हमारे विधायक जी ने भी गरीबों के लिए हक उठाया, जोखूलाल जी ने भी लड़ाई लड़ा है, लेकिन ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं। क्या नाम है? राजकुमार रुमलिया। सारी ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देने हम लोग इस बात के लिए आए थे मनरेगा योजना के अंतर्गत। मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी काम पंचायतों में हो रहे हैं वो मशीन द्वारा कराए जा रहे हैं, न कि मजदूरों के द्वारा निकल उनको काम मिला है। हमारा इस क्षेत्र का मजदूर पलायन कर रहा है, बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहा है और उनके नाम का मस्टर भर करके किसी दिन के सिस्टम बना करके पैसा निकाल कर खाने काम किया जा रहा है। तो मेरी मांग ये हम लोग इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं, उनको काम दिया जाए। सरकार की योजना है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिया जाएगा और वो उनका विकास होगा, लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। तो हमारी मांग है उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाए, जो जेसी मशीन द्वारा काम कराया भी जा रहा है उसकी जाँच की जाए, ये हमारी मांग है। यहाँ जाँच करके और इनके जो हमारा दलित शोषित समाज जो चाहे अन्य चाहे सामान्य वर्ग के आदमी के उन्होंने जो मजदूरी करने योग्य है जो करता है उसको काम दिलाने काम किया जाए, मशीन द्वारा काम न कराया जाए। मांगे नहीं पूरी होंगी तो ज्ञापन दे रहा हूँ। आज तहसील में तहसीलदार महोदय नहीं है, बाबू को हम लोग ज्ञापन दिए, इसके मांगे नहीं पूरी तो हम लोग अगला कदम अपना हम लोग हमारी कमेटी बैठी की विचार विमर्श करेंगे, हम लोग आगे कदम उठाएंगे, शांति नहीं बनाएंगे हम लोग।
शांत रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग गरीब के हक की मांग की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत पे।